भारत ने फिलहाल कुछ समय के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड के निर्यात पर रोक लगा दी है। मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण आने वाले हफ्तों में वैक्सीन की घरेलू मांग में इजाफा होगा और यहां वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अधिकारियों ने इसे वक्ती कदम करार दिया है, लेकिन इससे अप्रैल के आखिर तक वैक्सीन के निर्यात पर असर पड़ेगा। कोवैक्स योजना के तहत आने वाले करीब 190 देशों पर इसका असर पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में चल रही कोवैक्स योजना का मकसद सभी देशों में कोरोना वैक्सीन को सुनिश्चित कराना है। भारत ने अब तक 76 कंट्रीज में कोरोना वैक्सीन की करीब 6 करोड़ डोज भेजी है। बुधवार को करीब 47,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए और 275 लोगों की मौत हुई। साल 2021 में भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की ये सबसे बड़ी संख्या है। भारत ने 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका दिए जाने का फैसला किया है, इसलिए टीके की मांग में इजाफा लाजमी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि निर्यात पर रोक सिर्फ कुछ समय के लिए लगाया गया है और घरेलू मांग को प्राथमिकता देनी होगी, लेकिन हम इस फैसले पर अभी तक भारत सरकार या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी SII ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के यूके, ब्राजील, सऊदी अरब और मोरक्को जाने वाले खेप को फिलहाल रोक दिया है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।